सुनवाई चाहती हूँ अपनी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैंने हैदर से कहा था कि वो आपसे निकाह कर ले। अच्छा, फिर क्या कहा उसने? इनकार कर दिया। हैदर के साथ तुम्हारे रिश्ते की उम्र मेरे और हैदर के रिलेशनशिप से बहुत कम है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। जब तक वो तुम्हारे साथ है, मुझे कमिट नहीं करेगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि चली जाओ यहां से। टूटी हुई शादी और बिखरे हुए दिल को समेटने के लिए उसे मेरी जरूरत पड़ेगी, और मैं बहुत अच्छे से समेट लूंगी उसे। दोबारा कभी ना बिखरने के लिए। जिस जगह आप बैठी हैं, ये जगह मेरी है। और मैं अपनी जगह, अपना शौहर और अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और ना ही ये रिश्ता खत्म करूंगी। ठीक है, तुम नहीं कर सकते तो मैं कर दूंगी। तुम्हें महमल के डरावों से डरने की जरूरत नहीं, और तुम जरा सी भी कमजोर पड़ी ना दिल तो वो तुम पे हावी हो जाएगी बेटा। पता है, कभी कभी मुझे बहुत हैरत होती है कि आप जैसी इतनी इंटेलिजेंट, इतनी मैच्योर लड़की ऐसी बात कैसे कर सकती है। आपने मेरी और रिदा की सिर्फ बातें सुनी हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हैदर और अम्मी इतनी बड़ी बात बगैर किसी प्रूफ के मान लें? मुझे नहीं लगता कि इस सुनी सुनाई बात पर कोई भी बिलीव करेगा, ना हैदर और ना ही अम्मी। मैं चलती हूँ। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ माशाल्लाह। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस कोई पुरानी बातें दोहरा रही थी। दोहराने दो उसे, तुम बस अपने रिश्ते पर तवज्जो दो। आज भी हैदर बगैर नाश्ते के चला गया है। तुम उसके ऑफिस चली जाओ और दोनों साथ लंच करो। बस वहीं जा रही थी। जीती रहो, खुश रहो। Thank you.